राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत है कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन अरे दिलीप। हाँ सुभाष। अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना? हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है। अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई? कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना? अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं। तो फिर? और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा। कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा? हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं। सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं। Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम? आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन। Is that right? You black monkey? जी सर, वो ऐसा था जी कि सर। What? जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था? हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती। You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा ये हिम्मत? हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है। तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा। बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में
सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में ये हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए। क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए? अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं। तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए? हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा। और अपने सुभाष बाबू? वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा, कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए। क्या हुआ सुभाष बाबू? अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर? लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया। कौन? शिशिर? हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है? सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा। ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े? उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा। ठीक है। उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है। तो फिर ठीक है, आओ चले। चलिए। सोलह जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की। शिशिर,
दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से। खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब। आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए। लाओ लाओ। शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब। नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो। ये अखबार कहाँ गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा। अब थोड़ी देर आराम कर लूं। ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे। मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों
अपना सर काट कर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे। मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए। और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए। खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा, यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा, तू रास्ते की मुश्किलों पे मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। भारत का तू सपूत है, भारत की शान है, तू भी महान, देश भी तेरा महान है। भारत का तू सपूत है, भारत की शान है, तू भी महान, देश भी तेरा महान है, तू इस महान देश पर जीवन लुटाए जा। कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा, रास्ते की मुश्किलों पे मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा। तू चाहे तो गुरूर पहाड़ों का तोड़ दे, गुरूर तोड़ दे, नदियों के रुख को जिस तरफ भी चाहे मोड़ दे, तू रुख को मोड़ दे, जादू है तेरे हाथ में, जादू जगाए जा, जादू जगाए जा, कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा, तू रास्ते की मुश्किलों पे मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा। बंजर जमीन पे खेत उगाना है तेरा काम, हाँ रेत में भी फूल खिलाना है तेरा काम। बंजर जमीन पे खेत उगाना है तेरा काम, हाँ रेत में भी फूल खिलाना है तेरा काम, जंगल बसाए जा यूं ही राहें सजाए जा, कदम बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अभय भार्गव, राधा कृष्ण दत्ता, शांति एस कालरा, दिनेश वर्मा, पवन कौशिक और सतीश महाजन, ध्वनियांकन सतीश लाडे और नंद कुमार, निर्माण सहयोग संजय कुमार, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।